नमस्कार, मैं मनीषा सिन्हा और आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं मिलनसार तेज तर्रार युवा नेता NSUI प्रदेश महासचिव हिमांशु जायसवाल जी। हिमांशु जायसवाल जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप विगत 7 वर्षों से NSUI जिला अध्यक्ष पद पर लगातार संभाले हुए हैं और अब एक नई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किए गए हैं। जायसवाल जी, हमारा पहला सवाल है, आपका राजनीतिक में आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, जब मैं 12th में पास हुआ, उसके बाद सरगुजा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते हम लोगों ने यहाँ पे, जब मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया तो यहाँ कॉलेज में विभिन्न तरह की समस्याओं से मुझे खुद भी जूझना पड़ा। मैं और छात्रों को भी देखता था कि उस समस्या से वो जूझते थे। तो हम लोगों ने, मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य उस समय बना जब मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी, यहाँ नई नई यूनिवर्सिटी खुली 2008 में और हम लोगों ने 2009 में प्रवेश लिया। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी और कई अवसंरचनाएँ थी जो कॉलेजों में नहीं थे, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों को बहुत परेशानी होता था। तो उस समय हम लोगों ने इस चीज़ का संकल्प लिया कि अब सरगुजा के कॉलेज, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सुधार करके यहाँ के छात्रों को या जो बाहर से आने वाले छात्रों, उनको कोई परेशानी ना हो, तो हम सिस्टम को सुधारने के लिए मैं राजनीति में आया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मेरी मैंने अपना जो पढ़ाई ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर का एडमिशन मैंने राजीव गांधी PG कॉलेज में लिया। वहाँ पे पढ़ाई करने के ही दौरान मैं वहाँ NSUI की सदस्यता लिया और मैं एक वोटर के नाते इस संगठन से जुड़ा। और मैं सिर्फ वोटर बनकर के चुनाव करने के लिए गया था बिलासपुर, और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ी इस संगठन में और उसके बाद मुझे संगठन लोग ने भी मुझे दायित्व दिया, जिम्मेदारियां दी। मैंने जिला अध्यक्ष का पद भी संभाला और आज प्रदेश नेतृत्व एवं हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री DS बाबा के प्रयास से भी आज मैं प्रदेश महासचिव के पद पे भी मनोनीत हुआ हूँ। आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मैंने सबसे पहले अपने कॉलेज में, जब आदरणीय सरगुजा महाराज TS सिंह देव जी हमारे कॉलेज में एज अ गेस्ट आए हुए थे, एनुअल फंक्शन का था मुझे याद है, उस समय मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने उन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्हीं से मैंने सीखा कि किस तरह से एक सौम्य और सरलता से कैसे काम किया जाता है। मैं उन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं और हमारे आज वर्तमान में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय सिंह जी, उन्होंने मुझे राजनीति में प्रवेश किया, तो मैं इन दोनों को अपना गुरु मैं मानता हूं। आपका राजनीतिक करियर का सबसे सुखद पल कौन सा रहा है? मुझे लगता है कि जीवन का हर एक पल एक चुनौती भरा होता है, चाहे आप जब भी दिन की शुरुआत करें, हर चुनौती होता है। वो इंसान पे डिपेंड करता है कि आप उस चुनौती को किस वे में लेते हैं आप। मुझे लगता है कि मेरे लिए हर एक वो पल सुखद है जो हम जी रहे हैं। मैं कभी भी ऐसे पल को नहीं करता कि कल क्या होने वाला है या जो बीत गया, मैं जो वर्तमान में जीता हूँ मैं उसी को सुखद मानता हूँ और वही मेरे लिए सबसे सुखद पल है। और मेरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं लगता, मैं कभी भी किसी दुख को अपने पर हावी होने नहीं देता हूँ। हर कार्य को मैं सरलता से, और मैं इसी चीज़ को सोचता हूँ कि जो भी ये मेरे चुनौतियाँ आ रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे इसे सॉल्व करना है और मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, यही मेरा सुखद पल है। क्या आपको लगता है कि सरगुजा में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है? मुझे नहीं लगता कि 2 गुटों में बटी हुई है। ये कोई हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ के हमारे सभी नेता सम्माननीय हैं और हर एक परिवार है, एक परिवार सदस्य में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, बट मुझे उसे नहीं लगता कि कोई गुट में है। हम सब एक होकर के काम करेंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में बनेगी, तो मैं गुटबाजी को नहीं मानता। ये यहाँ एक प्रतिस्पर्धा है और उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इलेक्शन के माध्यम से यूथ कांग्रेस और NSUI में हम लोगों को आने का अवसर दिया है कि एक गैर राजनीतिक परिवार का लड़का होने के ना होने के बावजूद भी जिलाध्यक्ष का पद में रहा, महासचिव के पद में आज प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिम्मा दिया है। तो ये राहुल गांधी जी की जो सोच है, तो एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में हम लोग शामिल हुए हैं, इसे गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। छात्र हित के लिए आपने कुछ कार्य किया है? बिल्कुल, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, विपक्ष के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो
सबसे बड़ा उस टाइम पे आउटसोर्सिंग का चलता था कि हमारे सरगुजा के छात्र और बस्तर के छात्र जहाँ शेड्यूल 5 लागू है, लेकिन यहाँ की जो सहायक ग्रेड 3 और 4 की जो भर्तियाँ होती थी उन्हें बाहर के लोगों को आमंत्रित किया जाता था। हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, पूरे प्रदेश में विधानसभा का घेराव भी किया, आंदोलन भी किए, हर जिलेवार कार्यालयों में भी तालाबंदी किया। उसके बाद सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ा और अब स्थानीय स्तर पर सहायक ग्रेड 3 और 4 में शेड्यूल 5 के नियम को पालन किया गया। आउटसोर्सिंग हम लोग का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जहाँ छात्रों को रोजगार के लिए हम लोग जुड़े हैं। और अभी हमारी सरकार ने जिस तरह से छात्रों को सहूलियत दी है कि अब गरीब छात्रों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्वामी आत्मानंद इस विद्यालय के माध्यम से सरकार छात्र हित में फैसले लगातार ले रही है। और हम लोगों ने एक NSUI का सरगुजा का ऑफिशियल ऐप भी प्ले स्टोर में लॉन्च किया है। ये एक बड़ा उपलब्धि है हमारे संगठन के लिए, जिसमें छात्र अपने मोबाइल में ही सारी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को सूचना को पा सकते हैं और कोई शिकायत होता है तो सीधे उसमें दर्ज करेंगे तो हमारे स्थानीय जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर उनसे संपर्क करके उनके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। ये मुझे लगता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में छात्रों के बहुत सुविधाजनक काम हमारे संगठन के द्वारा किया गया है। धन्यवाद हिमांशु जी, हमारे स्टूडियो में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। थैंक यू।